वेलकम टू इंग्लिश हाउस। दोस्तों मेरा नाम है अनुपम दुबे और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीयूसीईटी की। ये वीडियो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मायने में बहुत से लोग अभी भी ये नहीं मान रहे थे कि सीयूसीईटी कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सीयूसीईटी कंफर्म हो चुका हुआ है, बस डाउट ये है कि उसका नाम सीयूसीईटी रहेगा या सीयूईटी रहेगा। देखिए, जितने भी मिनिस्ट्री होती है इंडियन गवर्नमेंट की, वो अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है साल के अंत में, यानी जो भी 31 दिसंबर होता है, हर मिनिस्ट्रीज अपना रिपोर्ट सबमिट करती है कि उन्होंने क्या क्या किए या क्या क्या करने वाले हैं। इसी सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपना पिछले साल का पूरा रिव्यू सबमिट किया और पूरा प्रोग्रेस सबमिट किया। उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक टेस्ट हुआ करेगा जिसका नाम होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी उन्होंने नाम दिया हुआ है, सीयूसीईटी ना करके। और उसमें उन्होंने सिलेबस के बारे में भी बताया हुआ है। सो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और प्लीज डू शेयर इट। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो सीयूसीईटी की ना होकर के डीयू जैट हो, आपका एनसीएचएम हो, या जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम है, उन सब के लिए आपको एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ वो इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसा कि मैंने बताया, देखिए ये है PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आप देख सकते हो ईयर इन रिव्यू 2021 में है। अलग अलग जितने भी हैं, इंडियन रेलवे के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए। इसी सिलसिले में जब आप यहाँ पर देखते हैं तो ईयर एंड रिव्यू ऑफ MOFPI, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो गया, और आप इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट नजर आता है ईयर एंड रिव्यू 2021 डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। आप इस पे हम क्लिक करते हैं, ये खुलता है, यहाँ पर ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्चेज आइटम लगे हुए हैं। बहुत से लोग, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लो, डरा रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन के तह तक ना जाएं, आप बिल्कुल भी गुमराह ना हो। और मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। हमने जितनी वीडियोस दे रखी है, जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसका लिंक दे रखा हुआ है कि ये प्रॉपर लिंक है जहां से आप उसको देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। आप देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये गैजेट है जहां पर ये निकला हुआ है, ईयर इन रिव्यू 2021 डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सो मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं पूरा अपडेट आपको दूंगा, अंत तक बताऊंगा। इसमें सिलेबस भी थोड़ा बहुत मेंशन किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है इनिशिएटिव्स अंडर NEP 2020 टू इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें और अगर नीचे चले आए हम तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET फॉर एडमिशन इनटू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द ईयर 2022-23। बहुत से लोग CUET, DUCET के नाम पर ऐड चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अपडेटेड इंफॉर्मेशन यही है कि हो सकता है कि उसका नाम CUCET ना होकर के CUET हो। सो आप इसको दिमाग में बिठा लें कि आपको क्या नाम देना है या उसके क्या क्या उसका सिलेबस होगा और क्या इंफॉर्मेशन है। सो 31 दिसंबर 4:39 पर यह इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है, और मैं 2 जनवरी की सुबह सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जहां पर ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन है और ये पूरा ऑथेंटिक, पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ। फिर स्वयं एक इनिशिएटिव है उनका, PG कोर्सेज के लिए EPG भी पाठशाला है, आप देखोगे यूट्यूब सब्सक्राइबर है इनके, विद्यामित्र पे ये सब बताया हुआ है। फिर आ जाता है आजादी का अमृत महोत्सव, और लास्ट में ये पॉइंट आ गया, आप देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने इसको जूम भी कर दिया हुआ है और यहाँ आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। कहता है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड दैट NTA विल सर्व एज अ प्रीमियर एक्सपर्ट ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एडमिशंस, यानी UG और PG, अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं के बाद, ग्रेजुएट यानी आपके ग्रेजुएशन के बाद। इसके साथ साथ इसका मतलब है जितने भी बैचलर्स कोर्सेज हैं और पीजी कोर्सेज हैं जिनके लिए डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते थे, BHU का अलग, BU का अलग, विश्व भारती का अलग, कोलकाता का अलग, JNU का अलग, वो कंबाइंड वे में होगा सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, किसके, यूजी और पीजी के लिए। इसके साथ साथ जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी बता दूं कि वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, तो यूजी, पीजी और बीएड तीनों का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होगा सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रहा है अपने एनुअल रिपोर्ट में। और इसके पहले मैंने बताया था
कि जो स्टेट मिनिस्टर है एजुकेशन के सुभाष सरकार जी, उन्होंने भी ये बात अपडेट किया हुआ था, उनका ट्वीट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सीयूईटी होगा, सीयूसीटी नहीं होगा। फिर कहते हैं एडमिशंस एंड फेलोशिप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंगली इट हैज बीन डिसाइडेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट देयर विल बी, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, देयर विल बी, एक मिनट बस, कहते हैं दैट देयर विल बी अ कॉमन Entrance examination in all central universities, जिसका नाम उन्होंने बोला हुआ है, देख लीजिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम दिया गया हुआ है, CUET ब्रैकेट में लिखा हुआ है, to be conducted by Nation Testing Agency for admissions into all central universities from the year 2022-23। और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप परेशान हो कि क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, कोचिंग लेना है या नहीं लेना है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। सो इसमें यह भी लिखा हुआ है, This exam shall test conceptual understanding. Conceptual understanding का मतलब कि ये बात जरूर कहीं ना कहीं है कि aptitude के अलावा 12th के subject का weightage होगा। ये point important है। मैं syllabus के ऊपर एक aptitude का अलग video बना चुका हूँ domain B के लिए, मैं आज आपको एक video दे दूंगा। So this exam shall test conceptual understanding and the ability to apply knowledge. यानी मैंने जैसे मैं बात करता हूँ application of knowledge की, and shall aim to eliminate the need for taking coaching for these exams. The process will reduce the burden on students, universities and colleges and the entire education system. So ये important बात कही गई है education ministry के द्वारा, किसके बारे में, कि जितने भी central universities हैं जो exam conduct करेंगे वो सारे के सारे यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए अब एक एग्जाम हुआ करेगा। और ये ईयर एंड रिपोर्ट है, बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि कब ये फाइनल अपडेट आएगा कि सीयूसीटी कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये रहा उनका कंफर्मेशन कि सीयूसीटी होगा ही होगा। रही बात उनके सिलेबस की, तो जैसा कि एनुअल रिपोर्ट आया है, बहुत जल्दी ये उम्मीद की जा रही है कि उनका अपडेटेड सिलेबस आ जाएगा, जिसमें आपकी मेजर चिंताएं ये हैं कि 11th से आएगा या 12th से आएगा, पीजी के बच्चे परेशान हो रहे हैं कि एप्टीट्यूड में क्या आएगा, या बीएड के बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा। तो आप सब इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि जो भी अपडेशन आएगा हम आपको ऑथेंटिक यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से या उनका जो गैजेट है वहां से इन्फॉर्मेशन ला करके आपको बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको इनके लिए कोचिंग ज्वाइन करना है तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सब कुछ गिवन है डिटेल में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और हमारा कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, या गाइडेंस के लिए भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स ऑलरेडी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, प्लीज डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।